नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट। आइए ले चलते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइज है नाइशा, क्लैप फॉर हर। क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रुति प्रधान, कम ऑन द स्टेज एंड गेट योर प्राइज। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन जी, अब हमारे फर्स्ट प्राइज विनर है सौरभ, कम ऑन द स्टेज एंड गेट योर प्राइज। उसके विनर है अभिषेक बिष्ट, कंसोलेशन प्राइज है साइमा। हुसैन अब्बास, नाइशा मेहता, जैसीना गुरनान, अमन, मेरा नाम सात्विका है। आज आपको अवार्ड मिला, जो कला की प्रदर्शन आज प्रोग्राम रखा गया बाग के अंदर, कैसा लगा? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे शांति बहुत है, तो इसे मन को बहुत अच्छा लगा, लाइक मन को लुभा गया ये हमें को। यहाँ का लाइक मैं जब पेंटिंग कर रही थी तो सारे बच्चों को देख मेरे मन में भी वो उत्साह था कि मेरे को क्या मिलेगा, मैं कौन सी विजेता, मैं फर्स्ट आऊँगी, सेकेंड आऊँगी, क्या आऊँगी। बट फिर जब मेरे को पुरस्कार मिला तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब मैं हद से ज़्यादा खुश थी। इस वजह से पेंटिंग का थीम क्या था? मेरी पेंटिंग का थीम था मेरी जिंदगी का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, द गोल इन माई लाइफ। क्या बनाया?
मैंने इसमें दिखाया कि मैं कैसे जो जो पुअर है, जो जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा कम है, उन लोगों को मैं कैसे ऊपर ला सकती हूँ मैं, फिर जो स्पेशल चाइल्ड है उनको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, उनके लिए कैसे मैं स्कूल वगैरह बना सकती हूँ. मुझे एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ मैं शांति से, जहाँ सब शांति से, सुख से, और फिर सब एक समान और सब खुशहाल जीवन जिए. मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं नवश्री आर्ट एंड कल्चर के साथ एज ए वॉलंटियर लगभग 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ. आज जो हमारा इवेंट था, जो इसका नाम था मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य, इसमें हमने छोटे बच्चों के लिए रखा था और ब्रह्म कुमारी जी के साथ हमारा एसोसिएशन में था, जिसके अंदर सभी बच्चों ने, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, सारे 6 से लेकर 15 साल तक के बच्चे थे, सभी ने अपने अपने आर्टवर्क के थ्रू हमें यह जाहिर किया कि हाँ उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका एम क्या है, उनका गोल क्या है. सभी ने अपने आर्टवर्क इतने खूबसूरत बनाए थे कि ज्यूरीज को भी पसंद आए हैं और जितने भी यहाँ पेरेंट्स बच्चों के थे, उन सभी को उनके काम पसंद आए हैं. रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है, जिस हिसाब से हमने सोचा था, और मे बी इन फ्यूचर भी अगर ऐसा कोई मौका मिले जिससे हम बच्चों को उनके कला को और प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो इसके लिए हम तत्पर रहेंगे. मेरा नाम अर्चना बजाज है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और पिछले 20 सालों से आर्ट क्लासेस ऑर्गेनाइज करती हूँ. मुझे नवश्री की तरफ से एक इनविटेशन मिला कि मैं इस प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करूँ, और चूँकि मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था कि यहाँ आकर मुझे सर ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने के लिए कहा, जो कि एक जजमेंट थी सभी ड्राइंग में जो बच्चे पार्ट ले रहे हैं उनके लिए करनी थी. तो आज का जो प्रोग्राम था वो जहाँ तक मेरी सोच थी उससे बहुत ही ऊपर था. बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में भाग लिया और 6 साल से 15 साल तक के बच्चे इसमें थे. तो हमारे लिए जजमेंट भी उतनी ही टफ थी जितना हम सोच भी नहीं रहे थे कि इतना अच्छा बच्चे आजकल के कर रहे हैं. कला की ओर उनकी रुचि बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे. रिस्पॉन्स कैसा लगा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा है कि आगे और भी ज़्यादा लोग कला की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, और पेरेंट्स का भी उतना ही रिस्पॉन्स रहा. पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों का सहयोग दिया. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना कीजिए और अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही. देखते रहिए अपना चैनल न्यूज़ 81 एंटरटेनमेंट.